बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर के मां दुर्गा की प्रतिमा को ममता बनर्जी की शक्ल में बनाने को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मां दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा नहीं ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वे सनातन धर्म को नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वे खुद मिट जाएंगे। दरअसल बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर के मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है। उसी बीच कई प्रतिमा की शक्ल को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की शक्ल का बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के अब विवाद खड़ा हो गया है। अब भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इस मसले पर बयान दिया है, तंज कसते हुए ममता बनर्जी के मिट जाने की बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, आप खुद सुन लीजिए। कि भारत के अंदर ये आजीविका मिशन, जब मोदी जी 2014 में आए उस समय देश में 2,35,00,000 महिलाएं थी, 80,000 बैंक लिंकेज था, 80,000 करोड़। अभी लगभग 7.25 करोड़ महिलाएं हैं और 4,00,000 करोड़ लगभग उनको बैंक लिंकेज है। बेगूसराय में अगर मैं आता हूं तो बेगूसराय में 3,21,000 बहने हैं आजीविका में, जिन्हें दीदी कहते हैं। 564 करोड़ बैंक लिंकेज है। हमने तय किया है डीडीसी के नेतृत्व में, आजीविका के यहाँ हेड के नेतृत्व में, कि 2022-21 मार्च तक 3,21,000 में कम से कम 1 से 1.5 लाख बहनों की आमदनी, मिनिमम 1,00,000 रुपया सालाना उनका हो, उसके लिए उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, उस पे चर्चा हुआ है। देहात के जो किसानों से काम करते हैं, शशांक आईटीएन हैं, वो भी आए। चंदन एक बेंगलोर से आए, वैशाली से आए, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए, एक बेंगलोर से आए जो मोटे अनाज जिसे कहते हैं सामा, कोदो, बाजरा, उन पर काम करते हैं, जो किसानों की महिलाओं की आमदनी दिगुना हो और मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं हो, जो वैल्यू एडेड पापड़, तिलौड़ी, बेसन, उसका एक प्लेटफार्म बने। या कहने का है कि अब आजीविका मिशन हम बेगूसराय में लक्ष्य रखा है कि 3 साल के अंदर एवरेज महिलाओं की आमदनी 10,000 रुपया महीना, यानी मिनिमम 1,00,000 साल का, 3,000 करोड़ का एक ताकत बने, और उसी तरह से राज्य का, उस देश का बने। आज उसी की मीटिंग थी, खेती करनी है तो सब्जी की कैसे करेंगे, कैसे फलदार पौधे का करेंगे, कैसे उसका वैल्यू एड करेंगे, और मार्केट लिंक कैसे हो, यही मेरा लक्ष्य। सर बंगाल, एक सवाल और है, बंगाल में दुर्गा की जगह दीदी की प्रतिमा इस बार बन रही है, इसको कैसे देखते हैं आप ही लोग बताइए कि अब दुर्गा का स्थान कोई दीदी या दादा थोड़े ही ले सकता है। जो लोग अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होंगे वो सनातन धर्म का वो तो नहीं मिटा पाएंगे, लेकिन वो मिट जाएंगे।